डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के क्रम में आज हम पार्ट थ्री में हैं। इसके पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू देखा था। पार्ट वन में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा था। पार्ट टू में हमने निगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया था। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वास्तव में इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक दैट स्टार्ट्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब, एक ऐसा जिसकी शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया से होती है, और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है दैट स्टार्ट्स विथ डब्ल्यू एच वर्ड, एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत हम डब्ल्यू एच वर्ड्स से करते हैं, जैसे हु है, व्हाट है, वेयर, व्हेन इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उदाहरण के लिए देखना चाहें तो यहाँ देखिए, डू यू प्ले हॉकी, यहाँ आप देख रहे हैं डू ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक टाइप है। और अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप देखेंगे व्हेन डिड यू स्टडी इंग्लिश, यहाँ जो सेंटेंस है ये ऑक्सिलरी वर्ब के अतिरिक्त डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है। तो ये मुख्य रूप से प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो हम पहले सबसे देखेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम पैसिव में बदलते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम पैसिव में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं सेंटेंसेस स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब। हम सबसे पहले उन सेंटेंसेस को बदलना सीखेंगे जिनकी शुरुआत सहायक क्रिया से होती है। यहाँ अगर आप रिकॉल करना चाहें, आपने पार्ट वन में देखा था कि हम लोग सभी टेंसों के लिए केवल एक ही फॉर्मूला अभी तक यूज किए हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी की डिफरेंट फॉर्म्स, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है वह उसको जाकर देख लें, उसको देखने के बाद आप इस फार्मूले को आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप उस वीडियो की लिंक देखना चाहें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं। अब चूंकि यह जो फार्मूला है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, हम चूंकि आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, स्टार्ट हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब से करते हैं, तो हम और कुछ नहीं केवल इस फॉर्मूले में ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम ऑब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी की फॉर्म्स, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। और इसकी मदद से हम कई सारे टेंसेस के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी एक्सरसाइज भी आपके सामने करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पहले सेंटेंस की बात करें तो आपके पास एक सेंटेंस है, इज सीता प्लेइंग फुटबॉल, दिस इज द क्वेश्चन। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ इफ अगर आप चाहें इस फार्मूले की मदद से इसको पैसिव में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें मिल चुकी है, तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। हम जानते हैं कि फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब ये देखना पड़ता है कि फुटबॉल के लिए इज ही लगेगा या इज एम आर में से जो तीन एक साथ सहायक क्रियाएँ आती हैं उनमें से कोई एक होगा। तो चूंकि फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए हम इज हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ होगा इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल है, तो आप फुटबॉल को प्रेस करेंगे। अब आप पहले ही समझ चुके हैं कि हम बी की फॉर्म यूज करते हैं, और उसमें हमने सीखा था कि यदि हेल्पिंग वर्ब हमको सेंटेंस में मिल जाती है तो हम बी की इस बारी फॉर्म का यूज करते हैं।
तो चूंकि हमारे पास मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसे हम बी की भी आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, तो अगला शब्द होगा बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब आपकी है प्ले, आप उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लेड। उसके बाद बाय, तो यहाँ भी आप बाय रखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में सीता था तो आप भी यहाँ सीता रखेंगे और यही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिए पैसिव में, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय सीता। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वाज नितिन शेयरिंग ए पर्स, ये आपके पास एक सेंटेंस है, तो वही बात हम सबसे पहले देखेंगे क्या हमारे पास इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, हमारे पास यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में उपलब्ध है, तो आपके दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए कि वाज के साथ आपकी एक और ऑक्सिलरी वर्ब होती है वर्ब, और अब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बताएगा कि ऑब्जेक्ट वाज एक्सेप्ट करेगा या वर एक्सेप्ट करेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, तो एप्पल्स के लिए आप वाज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि एप्पल्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम भी यहाँ फ्रेज करते हैं वर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका एप्पल्स है तो आप यहाँ एप्पल्स लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ आएंगे अगर तो बी की आपके पास फॉर्म है, बी की फॉर्म के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी मेन वर्ब हमको ही देखना है, मेन वर्ब की यहाँ आई एन जी फॉर्म है तो आप यहाँ से बी की आई एन जी फॉर्म रख देंगे। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की तो शेल है, तो शेल का पास्ट पार्टिसिपल शोल्ड। उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नितिन है तो यहाँ नितिन हो गया। तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता प्लेड फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में फिर से आपके पास ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके पास हैज, हैज के साथ आप ध्यान रखें हैव भी होता है, ये ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आप हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करें या हैव, लेकिन ये कंफर्म है कि हैज या हैव में से ही कोई एक लगाएंगे। तो अगर इस सेंटेंस में देखें तो आपका ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, फुटबॉल सिंगुलर है, इसलिए आप यहाँ हैज ही लगाएंगे। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। उसके बाद बी की फॉर्म, चूंकि यहाँ आपकी मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है तो बी की भी हम थर्ड फॉर्म यानी बीन यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका सेंटेंस ऑलरेडी कहता है, यहाँ पहले से ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ आपने प्लेड लिख दिया। उसके बाद बाय, तो ये बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीता है तो आपने सीता प्रेस कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड वी शोल्ड एप्पल्स। अब यहाँ भी सेम कंडीशन है, आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई हैड, अब चूंकि हैड के साथ केवल हैड ही होता है, जैसे हैज के साथ हैव होता है, इस प्रकार यहाँ स्थिति नहीं है, हैड अकेले ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है, तो ऑब्जेक्ट आप सबसे पहले एप्पल्स ढूंढ लीजिए, और हेल्पिंग वर्ब आपको पहले ही हैड मिल चुकी है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका एप्पल्स है तो एप्पल्स लिख दिए। उसके बाद बी की फॉर्म, बी की फॉर्म के लिए आपको मेन वर्ब की फॉर्म ढूंढनी पड़ती है, यहाँ शोल्ड है, ये थर्ड फॉर्म है, तो बी की भी आपको थर्ड फॉर्म बीन यूज करना है, तो यहाँ हो गया बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म शोल्ड, बाय, और सब्जेक्ट वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, विल ही फ्लाई अ काइट। अब यहाँ आपके पास हेल्पिंग वर्ब पता करनी है, विल है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि विल के साथ हम शैल भी यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट आप ढूंढ लीजिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि विल होगा या शैल। आपका ऑब्जेक्ट इसमें है अ काइट, काइट थर्ड पर्सन है, इसलिए हम विल ही यूज करेंगे। सबसे पहले विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ काइट, उसके बाद बी। अब यहाँ देखिए आपकी मेन वर्ब अपने रूट फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में है तो आपको बी की भी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है बी। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई का थर्ड फॉर्म कर दीजिए फ्लोन, उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट है ही,
तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, विल यू हैव संग अ सॉन्ग, ये आपके पास एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल है, विल आपने रख दिया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका आशांग है, तो आशांग आपने रख दिया। उसके बाद आपको बी की फॉर्म ढूंढनी है, बी की फॉर्म के लिए आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब आपकी संग है, संग थर्ड फॉर्म में है तो बी भी अपनी थर्ड फॉर्म में यूज होगा, बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग, बाय और सब्जेक्ट है यू, तो यू आपने रख दिया। नेक्स्ट, शुड श्याम लर्न इंग्लिश, इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी शुरू में, आपके पास पहले से है शुड, तो आपने सबसे पहले लिखा शुड। उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइंड कर लीजिए, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो आपने भी इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद बी की फॉर्म ढूंढिए, बी की फॉर्म आपको यहाँ से पता चलती है, लर्न चूंकि आप फर्स्ट फॉर्म में है तो बी भी अपने फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा और बी का फर्स्ट बी। उसके बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, लर्न का लर्न्ड, बाय और सब्जेक्ट आपका श्याम, तो यहाँ आपका श्याम हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ आप देखिए, डू आई राइट अ लेटर, इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको हमने बताया था कि यहाँ डू और डज पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ट्रीट नहीं होते हैं, ये केवल ये बताते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो इस फार्मूले में ये मान कर चलिया जाता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं मिली है, और जब हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो हम बी की फॉर्म को इस रूप में यूज नहीं करते, हम उसके इज, एम, आर, वाज, वर, ये फॉर्म यूज करते हैं। ऐसा तब करते हैं जब हमको यहाँ ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलती है जो हमको पैसिव में चाहिए होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। यहाँ डू ये बताता है कि आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए हम बी की प्रेजेंट फॉर्म को यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहाँ देखिए, आप ये मानकर चलिए कि आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं मिली, तो सबसे पहले इस बी की फॉर्म को आप यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि आपके पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, तो वी की फॉर्म हमने देखा इज, एम, आर में से कोई लगाना है। चूंकि आपका ऑब्जेक्ट अ लेटर है, इसलिए वी की इज फॉर्म यूज होगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का रिटर्न कर दीजिए, बाय और सब्जेक्ट है आपका आई, आई का मी। नेक्स्ट, डिड दे ब्रेक द फोन, यहाँ भी वही कंडीशन है, आपका ये डिड ये बताता है कि ये आपका सेंटेंस पास्ट, सिंपल पास्ट में है और आपके पास पैसिव की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी इस सेंटेंस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली, इसलिए आपको बी को तोड़ना पड़ेगा और उसको पहले पुट करना है। तो चूंकि बी की पास्ट फॉर्म हमको यूज करनी है यहाँ डिड की वजह से, तो वाज और वर होगी। अब आप ऑब्जेक्ट से पूछ लीजिए कि द फोन सिंगुलर है या प्लूरल, उस हिसाब से हम वाज और वर यूज करेंगे। तो फोन चूंकि सिंगुलर है इससे हम यहाँ वाज यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट है फोन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेक तो ब्रोकन, बाय और सब्जेक्ट है दे, तो दे का दे। नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी ईट एन ऑरेंज, ये भी एक सेंटेंस है जो ये बताता है कि हमारे पास डू डज तो है, ये सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है, जबकि पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ भी नहीं मिली है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं ढूंढ पाए, इससे हम बी की इस फॉर्म को न यूज कर प्रेजेंट फॉर्म को यूज करेंगे। गिच, ऑरेंज ऑब्जेक्ट है तो आपने ऑरेंज लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट है तो ईटन कर दिए, बाय कर दिए और सब्जेक्ट है शी, शी का हर। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार के टेंसेस जिसमें सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू होते थे उसको पैसिव में कन्वर्ट करना सीखा। अब आगे चलते हैं, सेंटेंसेस स्टार्ट विथ डब्ल्यू एच वर्ड, अब हम ऐसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखेंगे जिनकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इनसे होती है। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमने अभी तक फार्मूला यूज किया है उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, केवल हम वही डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में स्टार्ट करेंगे। इसके लिए कुछ आपको बातें याद रखनी है, यहाँ आप देखें,
The questioning words when, why, where, how, or what do not change their position at the beginning of the sentence. जब आप active से passive में बनाते हैं तो जिस जगह पर ये WH words होते हैं वो अपने स्थान में ही बने रहते हैं, यानी sentence की शुरुआत में रहते हैं. दूसरी important चीज ये है, note that who is changed to by whom and whom it to who. यानी अगर sentence में active voice में who है तो passive voice में हम by whom use करते हैं, और अगर हमारे पास active voice में whom है तो हम passive voice में who use करते हैं. तो ये दो चीजें important हैं, बाकी आपका पूरा formula वही रहेगा. चलिए कुछ example की मदद से इसको समझते हैं. आपका एक sentence है, who has sung this song. अब ये sentence है, इसको आपको passive में बनाना है. आप सबसे पहले WH word ढूंढिए, WH word आपका who है, और आप जानते हैं अभी अभी आपने पढ़ा है कि who का जब हम passive बनाते हैं तो वो by whom हो जाता है. उसके बाद helping verb आपको sentence में मिल चुकी है, has, तो has लिख दीजिए. उसके बाद object find करिए, object आपका this song है तो this song put कर दीजिए. उसके बाद be की form, क्योंकि यहाँ आपकी main verb third form में है तो बी भी आपकी थर्ड फॉर्म में यूज होगी, बीन. उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब आपकी संग है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो ये आपने संग लिख दिया. इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस बन गया. अब ये ध्यान रखना है कि चूंकि हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट नहीं था तो हम यहाँ बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ उसको बाई होम ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है. उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं. ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा. यहाँ आप देखेंगे ही और शेड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये दूसरे टाइप का सेंटेंस है, इसको कैसे करना है ये हम यहाँ देखते हैं. तो सबसे पहले वही आपको डब्ल्यू एच वर्ड फाइंड करना है. डब्ल्यू एच वर्ड आपके पास व्हाट है तो सबसे पहले आप पैसिव में व्हाट बनाएंगे. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज है तो आप भी हैज यूज करेंगे. अब चूंकि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधे बी की फॉर्म में पहुंच जाएंगे, और बी की फॉर्म आप जानते हैं कि वर्ब से ढूंढते हैं. वर्ब चूंकि आपकी थर्ड फॉर्म में है तो बी भी हम थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो ये बीन हो जाएगा. उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए, शेट, तो शेट हो गया. और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट आपका ही है तो ही हम हिम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये आपका सेंटेंस बन गया पैसिव में, व्हाट हैज बीन सेड बाय हिम. तो पहले सेंटेंस में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट था, दूसरे सेंटेंस में आपने यहाँ देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं है. अब हम एक एग्जांपल ऐसा भी देखते हैं जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब ही ना हो, तो उस सेंटेंस को कैसे बनाएं ये देखें. व्हाट डिड ही सेड, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो पैसिव ऑक्सिलरी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो यहाँ नहीं है. यहाँ डिड केवल ये बताता है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है. अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हम बी की इन फॉर्मों का यूज नहीं करते, इन फॉर्म का यूज करते हैं. अब चूंकि डिड पास्ट में है इसलिए हमको कन्फर्म हो गया कि हम बी की पास्ट फॉर्म यानी वाज और वर यूज करेंगे. चलिए फार्मूला यूज करते हैं. सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड आपका व्हाट है तो हमने व्हाट लिखा. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली तो हम बी का जो फॉर्म है वो यूज करते हैं, वाच. उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये शेड हो गया, और बाय और सब्जेक्ट है आपका ही तो हिम हो गया. इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में देखा है सभी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है. तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार.